नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजना और आज मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाना चाहूंगी जो लिखी गई है सुमन चौधरी द्वारा और कविता का शीर्षक है औरत। मैं एक माँ, बहन और बेटी हूं, पर तभी तक जब तक मैं घर में हूं। जैसे ही मैं घर की चौखट लांग कर बाहर निकलती हूं तो मुझे औरत में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे मैं एक डरावने जंगल में खड़ी हूं जहां हिंसक नजरें मेरा पीछा करती हैं। कभी मुझ पे तेजाब फेंका जाता है तो कभी दहेज के नाम पे बलि चढ़ाई जाती है। कभी बसों कभी कारों में मेरी अस्मत को रौंदा जाता है, वैसे मैं देवी कही जाती हूँ। जब तक मैं मंदिर में स्थापित रहती हूँ, दुनिया में तो औरत का दर्जा दिया जाता है और शायद ही मेरी गुनाह है। तभी तो मुझे कभी गर्भ में ही तो कभी जिंदा ही जीते जी मार दिया जाता है। पर अब यह औरत चंद सवालों का जवाब चाहती है, जो भोगी है इसे पीड़ा उसका हिसाब चाहती है। उम्मीद है गाइस कविता पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।